हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिवाल। सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बीएससी सेकंड ईयर का पेपर सेकंड, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ठीक, ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि डेली या हर दूसरे दिन मैं आपको एक लेक्चर टॉपिक वाइज देता रहूँ और साथ साथ हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की भी वीडियो आपको अवेलेबल होगी। तो इस कोर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने बीएससी के जितने भी आपके साथ के बच्चे हों सेकंड ईयर के या आपके कोई जानने वाला हो तो आप उसको शेयर जरूर कर दें ताकि ये उसके काम आ सके। तो मैं ये जो बुक आपको साइड में दिखाई दे रही है, कृष्णा पब्लिकेशन की ये बुक है, इस बुक के थ्रू स्टार्ट करूँगा आपको पढ़ाना। और स्टार्टिंग में हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये 14 चैप्टर हैं टोटल आपके, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको जो कंप्लीट करने हैं ये टोटल 14 चैप्टर्स कवर करने हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको देने वाला हूँ। अगर किसी बच्चे को ये बुक ऑनलाइन मंगानी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले आप समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती है, तो ये आपके साइड में दिखाई दे रही होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो टाइप के आपको वेरिएबल मिलेंगे एंड Different derivatives of dependent variable with respect to one or more independent variable. और जहाँ dependent variable का derivative मिलेगा independent variable के respect में, यानी suppose कीजिए कोई equation अगर मैं लिखता हूँ 2 dy by dx plus y is equals to 3, मान लीजिए ये कोई equation है, तो ये एक differential equation है जहाँ y क्या है, dependent variable और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाता है और यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, फिलहाल ये मैंने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। तो जी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपकी, इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल का हम डिफरेंशिएट बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, एक बार आप डेफिनेशन दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि कई बार डेफिनेशन भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर डेफिनेशन आती है वो आती है इसके ऑर्डर की, ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर क्या है, जो डेफिनेशन लिखी हुई है आप पढ़ लें, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसके ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सपोज करो कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy by dx plus y is equals to 6। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव है, सेकेंड टाइम्स दो बार डेरिवेटिव किया हुआ है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इससे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट नहीं है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, यानी y का x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट हुआ। तो मैं कहूँगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2, क्योंकि मैक्सिमम इसका जो डिफरेंशिएट किया गया है वो कितनी बार करा गया है, दो बार x के रेस्पेक्ट में, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव हुआ है। तो मैं कहूँगा कि जो इक्वेशन का ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। बात समझ पा रहे हैं आप, चलिए और कोई एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ यहाँ ऑर्डर के लिए, जैसे कि मान लो इक्वेशन लिखी हुई हो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 3, क्योंकि मैक्सिमम
वाई का तीन बार डेरिवेटिव यहाँ करा गया है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी को क्लियर है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दोबारा एक बार सुन ले, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। सबसे जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव करा गया है उसके ऑर्डर को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं अकरिंग इन द इक्वेशन। ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप समझिएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। जो हाईएस्ट हमने ऑर्डर देखा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने के लिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा उसकी जो पावर होगी उसे हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। उसकी जितनी पावर होगी उस पावर को बोला जाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन आप देखिए, एक बार डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशेंट विच अकर इन इट। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आएगा उसकी डिग्री यानी उसकी पावर जो होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन रेशनलाइज, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन रेशनलाइज हो चुकी हो, यानी कि उसकी जो पावर है वो पावर कंप्लीट नंबर्स में आ रही हो, 3/2, 1.5 इस टाइप से कुछ ना हो पावर। ठीक, तो हम बोलेंगे कि जो डिग्री आई है, जो हाईएस्ट पावर आई है उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, मान लीजिए मैं इसे लिखूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये मैं अपनी तरफ से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन आप सबको पता है, वहाँ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा हो उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे मन में जो आ रहा मैं वो आपको समझाने के लिए यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब इसकी अगर आपसे कोई डिग्री पूछता है तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 2। ठीक, इस चीज़ को देख के मैंने पता लगाया क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव, देखिए यहाँ डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, एक बार, यहाँ डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, दो बार। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री कितनी होगी, 2। और कोई आपसे पूछता है ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना होगा, यहाँ ऑर्डर भी 2 होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मैं लिखता हूं डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 5। ठीक, और इसकी पावर मैं कर दूं 5, तो यहां ऑर्डर कितना है, ऑर्डर अभी आपको समझाया था हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता, तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, 3 बार। तो ऑर्डर तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया 3। और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, जो ऑर्डर था जिसको देख के आपने ऑर्डर का पता लगाया हाईएस्ट डेरिवेटिव, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, तो उसकी पावर कितनी है यहां 5। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 5। ठीक है, जहां डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री भी पूरी इक्वेशन में 1 होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज का आप और ध्यान रखें, मान लीजिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लोगेरिथमिक फंक्शन, इन फंक्शंस की एंगल में या उनकी पावर में डेरिवेटिव आ जाता है तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि आप उसकी पावर को बता नहीं सकते कितनी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की क्यूब प्लस कोस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ अगर कोई आपसे पूछता है कि इसकी डिग्री बताइए, तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन, क्योंकि कोस के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डिफरेंशियल कोफिशियंट आ गया, तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन। और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका 2। तो ऑर्डर तो वही चेक करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, ऑर्डर की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं, लेकिन डिग्री अगर वहां कोई फंक्शन आ जाता है साइन कोस टेन और साथ साथ उस फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव भी हो रहा हो, ध्यान रखना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की क्यूब प्लस कोस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो अब इसकी डिग्री 3 ही रहेगी, इसका जो ऑर्डर है वो 2 और डिग्री कितनी, 3, क्योंकि कोस के एंगल में डेरिवेटिव नहीं हुआ,
डिफरेंशियल कोफिशियंट नहीं आया कोस के एंगल में, सिर्फ कितना आ रहा है कोस वाई आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये कैसी इक्वेशन हो गई जिसकी डिग्री 3 है, ऑर्डर कितना हो गया 2। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी ऑर्डर, उसकी डिग्री, ये तीन चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तीनों ही बातें 12th में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल्स अगर आपको नोट करने हों तो आप एक कॉपी में नोट जरूर कर लें। देखिए, जितना आप पढ़ रहे हैं रोज के रोज, आपको कॉपी बना के उतना नोट करना ही होगा। आप सोचें कि आप वीडियो देखते चले जाएंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, नहीं। आपकी कॉपी हो, आपका नोट्स हो, वही आपके एग्जाम टाइम में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी पार्शियल इफ देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे लिखता हूँ डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, या आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए होंगे, इजिकल्स टू 6। मान लीजिए मैंने ऐसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है। तो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी पार्शियल इफ देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो दो या दो से अगर ज्यादा होते हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसी बुक में आप आगे चैप्टर 8-9 के आसपास जाके आप पढ़ेंगे, चैप्टर 8 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। ठीक, फिलहाल हमें सिर्फ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है अभी इस एक्सरसाइज के अंदर, इस लेसन के अंदर। ठीक, लीनियर और नॉन लीनियर, तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये मैं आपको बता चुका लीनियर क्या है, फिर भी आप एक बार डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लें। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, एग्जाम्पल के तौर पे y मान लें अगर हम, एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री। अगर y वेरिएबल जहाँ भी आ रहा हो और उसकी जो डेरिवेटिव जहाँ भी प्रेजेंट है, dy by dx जहाँ भी प्रेजेंट है, उसकी पावर भी 1 है, तो उसे मैं बोलूँगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और नॉन लीनियर, अगर इसके अलावा कुछ और पावर आ जाती है, या डिफरेंशियल कोफिशियंट की या फिर y की, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जहाँ भी y की पावर है वो 1 है और उसके डेरिवेटिव की पावर भी 1 है। लेकिन अगर dy by dx की पावर 2 हो गई तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, या फिर चलो ये लीनियर ही रहा, y की पावर 2 या इसके अलावा कुछ भी, 1 के अलावा कुछ भी पावर हो गई, तो फिर वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि y का, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जहाँ भी डेरिवेटिव हो रहा है, वो डेरिवेटिव की पावर 1 हो और उस y की, पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ y आ रहा है उस y की पावर भी 1 हो, तो मैं क्या बोलता हूँ उसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या हो गई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट, अब जनरल सॉल्यूशन, दरअसल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आप इस बात को समझिए। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दें dy by dx plus y is equals to 5, अगर मैं लिख दूं, तो y की वो जो वैल्यू होगी, y का वो जो फंक्शन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यानी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, हमें यहाँ से y की वैल्यू अगर हम फाइंड कर दें, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो कहलाती है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखिए आप, इस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इक्वल इन नंबर टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आ जाते हैं,
ठीक, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट क्या है? वो कॉन्स्टेंट्स हैं जो जिनकी वैल्यू तो फिक्स है लेकिन वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक, उन्हें हम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट अगर किसी इक्वेशन में आ जाते हैं तो वो इक्वेशन का जो उसका मतलब सॉल्यूशन जो हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर अगर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आ रहा है तो वो जनरल सॉल्यूशन है। और अगर उस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट की हमने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ रख दी तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय गिवन पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। दरअसल क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा या कुछ मेथड्स अभी आप आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं इसके सॉल्यूशन करने के। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा तब जाके वैल्यू आएगी। तो वहाँ कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह आ जाते हैं, तो अगर वो कॉन्स्टेंट हम कॉन्स्टेंट में ही छोड़ दें तो जनरल सॉल्यूशन है, और अगर उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल दें या कुछ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ऐसी दी है कि हम वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ पुट कर दें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 आपकी, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। मतलब ये कि मुझे सॉल्यूशन दिया होगा, ये जो सॉल्यूशन अभी नीचे लिखा था सॉल्यूशन दिया होगा, वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। और एक बात और आप ध्यान से समझिएगा, ये जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट जितने होते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होगा, यानी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी अगर मुझे सॉल्यूशन दिया है और मुझे उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उस सॉल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होंगे, इन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं, तो जितने हमें पैरामीटर्स गिवन होंगे हम उतनी ही बार उस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम उतनी ही बार उस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी उतनी बार डिफरेंशिएट करके मुझे वो कॉन्स्टेंट वहाँ से हटाने होंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नहीं आता। देखिए, मैं एग्जाम्पल फर्स्ट, आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा, एग्जाम्पल समझा दूंगा, एक्सरसाइज आप ट्राई कीजिए, जब तक आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे कल तक आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है किसी फैमिली ऑफ कर्व की, डिफरेंशियल इक्वेशन है ए ई की पावर एक्स प्लस बी अपॉन ई की पावर एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू डिफरेंट कुछ भी हो सकती है, यानी कि ए और बी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हैं या मैं कहूँ पैरामीटर्स हैं। ठीक, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, मुझे पता है दो पैरामीटर हैं तो मैं दो ही बार डेरिवेटिव करूँगा क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी उसका ऑर्डर 2 ही होगा अगर दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट दिए हैं तो, यानी मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ और दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हमें दिए हुए हैं तो ऑर्डर भी 2 लाना है, यानी दो बार मैक्सिमम मैं इसका डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और मुझे ये ए और बी यहाँ से एलिमिनेट करने हैं, हटाने हैं, मुझे ए और बी यहाँ से एलिमिनेट करने हैं। मैं डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस ये e की पावर माइनस x होगी और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1। ठीक, यानी मैं कह सकता हूँ a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x, ये वैल्यू आ गई dy वाई बाय डी एक्स की। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी थी जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है, ये मेरे पास एक बार डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू आई, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया एक बार इक्वेशन का लेकिन अभी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट यहाँ से नहीं हटे,
मैं क्या करूँ, इसका फिर से डेरिवेटिव कर दूँ और कुछ भी ऐसा करूँ कि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हटा लूँ, और मैक्सिमम दो ही बार डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि जितने डिफरेंशिएट, जितने ये कॉन्स्टेंट हैं उतना ही इसका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए एक चीज़ है, आपको क्लास 11th, 12th, मेनली 12th की कैलकुलस अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना चाहते हैं और आप बीएससी सेकंड ईयर में हैं, तो आपको 11th या 12th की जो कैलकुलस है, मेनली 12th की जो कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो वह आप उसको सीखिए। अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर इतने सारे चैनल्स हैं जहाँ 11th, 12th का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मैं इस डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव कर दूँ, और ए कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर माइनस एक्स का फिर से करूँगा तो प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ ए ई की पावर एक्स प्लस बी अपॉन ई की पावर एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू वाई की ही आ गई, ठीक। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मैं कह सकता हूँ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वैल्यू वाई के बराबर आ गई, ठीक। यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये आंसर बन गया इस इक्वेशन का, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ अभी इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें इक्वेशन गिवन होगी, हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे होंगे, और इससे आगे आने वाली कुछ एक्सरसाइजेज में हम 5-6 मेथड पढ़ेंगे जिनसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसके सॉल्यूशन तक पहुँचना सीखेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं ना आप, सॉल्यूशन से अभी तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, फिर आने वाली एक्सरसाइजेज में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन मिलेगी और हम सॉल्यूशन तक पहुंच रहे होंगे उसके अलग अलग मेथड से, ठीक। आप इसे नोट कर लें, आप चाहे तो वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कोशिश करना साथ साथ नोट ना कर रहे हो आप, आपके हाथ में फ़ोन है आप उसे रोकिए अच्छे से और पूरा नोट कर लें जरूर, या फिर खुद से करके देखिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल टू इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी भी है तो स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इधर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ साइड से, एग्जाम्पल टू, ठीक। एग्जाम्पल टू पढ़िए ज़रा ध्यान से, दिया क्या है हमें, देखिए आप, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, ए रेडियस वाले सभी सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, और बाय द एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एच एंड के। इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है कि हमें लिखा हुआ मिलेगा कि भाई ये इक्वेशन है, तो देखो अंडरस्टूड सी बात है, आप सर्कल का सेंटर एच कोमा के है और उसकी रेडियस है आर, तो उस सर्कल की जो इक्वेशन है वो, ये रेडियस ए दी है क्वेश्चन में, तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगी। तो या तो हमें ऐसे कह दे कि भाई सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, या फिर मुझे इक्वेशन खुद क्वेश्चन में गिवन दे दे, ये उसका रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन को मेथड हो सकता है। हमें पता होना चाहिए दोनों बातों का मतलब एक ही है। तो मुझे ये इक्वेशन दी है, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, और ध्यान रखना कि ये जो ए है ये रेडियस मुझे गिवन है, ठीक, यानी कि ये कॉन्स्टेंट हो गई, और ये जो एच और के हैं सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट एच और के, ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिए, ये कुछ भी हो सकते हैं, होंगे कॉन्स्टेंट लेकिन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये मेरे पास दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हैं, यानी दो पैरामीटर्स हैं, तो मैं इस इक्वेशन का मैक्सिमम दो बार डिफरेंशिएट करूँगा, मतलब मैक्सिमम क्या, दो ही बार डिफरेंशिएट करूँगा। अब इक्वेशन फर्स्ट मैं इसे मान लूँ और मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव कर दें तो क्या आएगा, टू एक्स माइनस एच प्लस
पावर आगे आ गई, इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ अगर करूँगा 2y माइनस के, अब x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव हो रहा है तो y का क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई डिफरेंशिएट करके। अब यहाँ मैं इसे और सिंप्लीफाई कर लूँ, 2x माइनस एच, इस पोर्शन को अगर उधर भेज दूँ तो माइनस 2y माइनस के dy बाय dx। तो यहाँ से मेरे पास x माइनस एच की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, माइनस y माइनस के dy बाय dx। ठीक, मैं इसे ही इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब यहाँ एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन h और k जो दो कांस्टेंट हैं, ये जो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, इनमें से कोई सा भी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, मुझे इस इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं एक बार फिर डेरिवेटिव करूँगा तो x माइनस एच का डेरिवेटिव तो 1 होगा, क्योंकि x का 1 और h कांस्टेंट है तो उसका 0। यहाँ माइनस और इन दो के बीच में चलेगा प्रोडक्ट रूल, y माइनस के और dy बाई dx के बीच में प्रोडक्ट रूल चलने वाला है। प्रोडक्ट रूल क्या होता, फर्स्ट लिखा एज इट इज, dy बाई dx का डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx लिखा एज इट इज, और y माइनस के का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी dy बाई dx ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर मैं इधर ले आऊं तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल दूँ तो y माइनस के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिलहाल हमारे पास y माइनस के की वैल्यू भी आ गई और x माइनस एच की वैल्यू भी आ गई इक्वेशन सेकंड और थर्ड से। तो मैं ये वैल्यूज, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव मैं कर चुका, h और k एलिमिनेट नहीं हुए इस इक्वेशन में भी देखोगे तो k बच गया। अब क्या तरीका है कि यहाँ से जो भी दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट थे उन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख दी जाए, यानी फ्रॉम इक्वेशन, पहले मैं सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू जो आई है ये इसे फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रखूँगा x माइनस एच की जगह तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, y माइनस के का स्क्वायर और dy वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, y माइनस के का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो y माइनस के का होल स्क्वायर कॉमन लिया, ये बच गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पहले लिख दिया 1 और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस y माइनस के को उधर भेज दें, या यहीं पे ही मैं y माइनस के की ये जो ये वैल्यू आई है इस वैल्यू को पुट कर दूं। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ y माइनस के होल स्क्वायर की, तो अभी इसका स्क्वायर पुट करना है, तो स्क्वायर रखूँगा तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा जब इस वैल्यू का स्क्वायर करूँगा, तो ये आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर से रफ कर दूं ये ताकि मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकूं, पता नहीं इधर आगे आपको दिखाई देगा या नहीं, तो मैं सिर्फ कर रहा हूँ। आप रोक के आराम से लिख लीजिएगा इसे कंप्लीट। देखिए
तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर था, वाई माइनस के का भी ये होल स्क्वायर करना है, यानी इस वैल्यू का भी स्क्वायर होगा पूरी वैल्यू का। तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर और वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर, इनकी वैल्यू अगर मैं ऐड करता हूँ, देखिए ये ब्रैकेट इसकी तो पावर टू है और इतने ही ब्रैकेट की पावर वन है, तो ये बन जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की पावर थ्री, ठीक। और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप इसे एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा दोबारा। हमने सिर्फ क्या करा, इक्वेशन दी थी सर्कल की, डिफरेंशिएट करा, वहाँ से x माइनस h की वैल्यू एक बार डिफरेंशिएट करके और फिर डिफरेंशिएट करके y माइनस k की वैल्यू निकाल ली, और वो दोनों वैल्यू एक एक करके यहाँ इक्वेशन फर्स्ट जो क्वेश्चन में दी थी वहाँ पुट कर दी, और सिंप्लीफाई करते रहे, पावर वगैरह ऐड कर ली, और सॉल्व करके ये हमारा आंसर बन गया। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जहाँ a कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना ए दिया था क्वेश्चन में तो वो कॉन्स्टेंट है, हमें वो नहीं हटाना, हमें सिर्फ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हटाने हैं। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप पर्सनली भी कोई डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी परेशानी है आप सीधे फ़ोन कीजिए, अपना डाउट पूछिए, कोई स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है या एक्स वाई जेड कैसी भी दिक्कत है, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जितने भी बच्चे बीएससी सेकंड ईयर के हैं उनको ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और वो पढ़ सकें अच्छे से, और आने वाले टाइम में अच्छा स्कोर, एक अच्छा रिजल्ट अपना बीएससी में बना सकें, और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर सकें, ठीक। आप इस एक्सरसाइज वन के, आपकी बुक की जो पूरी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज वन के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सात क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, और मे बी अगर ये जो सिलेबस मैं लेके चल रहा हूँ ये CCS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, अगर आप किसी और बोर्ड के हैं, आपके पास अपनी कोई और बुक है, आप उस बुक का सॉल्यूशन पूरा ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह जो भी होगी, और क्वेश्चंस करिए। तब तक मैं जो एक्सरसाइज है इसके सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।